तो आज मैं जिस शख्स की कब्र खोदने जा रहा हूँ वो पूरे डीमन स्लेयर हिस्ट्री का सेकंड सबसे खतरनाक डीमन है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, कोकुशिबो। इस लौंडे का नाम सुनकर ही डीमन स्लेयर्स की गांड फट जाती है, और क्योंकि इन भाई साहब ने अपना बहुत सा जीवन जी लिया है तो मैंने सोचा क्यों नहीं इन्हें हमेशा के लिए आराम दिलाया जाए। तो ज्यादा टाइम पास ना करते हुए मौत का तांडव शुरू करते हैं। ग्योमे और तोकितो कौवे के दिखाए रास्ते में भाग रहे होते हैं मुज़ान को पकड़ने के लिए, ताकि मुज़ान एक आध दो डीमन स्लेयर की गांड और न फाड़ दे। ग्योमे को भागते हुए एक आवाज आती है, वो तोकितो को कहता है अरे चुतिया देखिए, लेकिन बहुत देर हो जाती है। एक पूरा रूम खिसक कर तोकितो से टकरा जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। जाते जाते तोकितो ग्योमे को कहता है हमरी चिंता मत करो, बस मुज़ान को ढूंढो। तोकितो को सीधा दूसरे रूम में पटक दिया जाता है जहाँ मौत उसका इंतजार कर रही होती है। कोकुशिबो कहता है तो तू आ ही गया भोसड़ी के। तोकितो गांड फट जाते हैं कोकुशिबो को देखकर। बंदे के मुंह से लिटरली आवाज तक नहीं निकलती। मेरे को तो लगता है हार्ट अटैक से ही मर जाएगा ये। कोकुशिबो कहता है तुम तो काफी जाने पहचाने लग रहे हो, मेरे ही वंशज हो क्या? अगर ऐसा है तो तुम्हारी गांड मारने में और मजा आएगा। भाई ये क्या देख लिया मैंने, ये लौंडा तोकितो के शरीर के आर पार देख पा रहा है। वैसे तोकितो की मसल्स तो देखो यार, ऐसी बॉडी तो मेरी नहीं है। पर मजाक से हटके ये दोनों भाई लेजेंड हैं। तोकितो तो सुन्न हो गया होता है, मैं बता रहा हूँ इसकी जगह तांजिरो होता ना पक्का हक देता। मुइचिरो सोच में पड़ जाता है, ये अपर मून 1 है, ये बिल्कुल अलग है दूसरे अपर मून के कंपेयर में। इसकी ब्लेड रैप्ड है पर ये एक तलवार है। ये आदमी डीमन हंटर हुआ होगा जो ब्रीदिंग स्टाइल यूज करता था। तोकितो अपनी ब्लेड निकालने का ट्राई करता है पर लौंडे का हाथ इतना कांप रहा होता है कि अपनी ब्लेड तक नहीं निकलती उससे, क्योंकि इससे पहले उसने अपनी लाइफ में कभी इतना डर महसूस नहीं किया था। कोकुशिबो कहता है अपना नाम बता रे। मुइचिरो बताता है तो मुइचिरो भाई। कोकुशिबो बोलता है लगता है सुगिकुनी सरनेम अब नहीं रहा। बीसी में डीमन क्या बना, तुमने सरनेम ही बदल दिया। मुइचिरो पूछता है ये सुगिकुनी क्या है, जिस पर कोकुशिबो उसे बताता है जब मैं इंसान हुआ करता था तो मेरा नाम सुगिकुनी मिचिकात्सु था। तुम सुगिकुनी फैमिली के मेंबर हो जिसे मैंने छोड़ दिया था, मेरे बच्चों के वंशज, तुम मेरे पोते हुए। ये सुनकर तोकितो हैरान हो जाता है, ओए मेरा परदादा इतना ओपी है, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता। तो यही है जो फर्स्ट ब्रीदिंग स्टाइल का यूज करते हैं। मुझे शांत होना होगा, डोंट पैनिक, काम डाउन। और ये बंदा एकदम नॉर्मल हो जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। भाई मैं इसकी जगह होता ना, मैं झाट नहीं लड़ता। डीमन स्लेयर गया गधी की गांड में, मेरे को नहीं लड़ना करके मैं निकल जाता। पर इस विचित्र मानव को कहाँ समझ आने वाला है, इसने तो अपना सब कुछ कगाया को दे दिया है। इधर कोकुशिबो कहता है तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी है, तुमने अपने आप को शांत कर लिया। कोकुशिबो भी मजे ले रहा है इसके, सोच रहा होगा मारने से पहले थोड़ी तारीफ कर देता हूं ना, बच्चा खुश हो जाएगा, दादा ने तारीफ की करके। और तभी मुइचिरो मिस्ट ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म लेयर्ड मिस्ट से अटैक कर देता है, लेकिन कोकुशिबो इधर ठग लाइफ में खड़ा रहता है, उसे कुछ होता ही नहीं इस अटैक से। कोकुशिबो कहता है ये मिस्ट ब्रीदिंग है, ठीक ठाक है। इससे मुइचिरो की जल जाती है तो वो फिर फिफ्थ फॉर्म सी ऑफ क्लाउडेड मिस्ट से अटैक करता है, पर कोकुशिबो उसे भी इजिली डॉच कर देता है और बोलता है मुइचिरो तुम अभी भी 14 साल के हो पर तुम्हारी टेक्निक बहुत ही रिफाइंड है इस एज में, जैसे कि मैंने एक्सपेक्टेशन रखी थी अपने परपोते से। भले ही मेरे ब्लड लाइन वाले कम हो गए हो और मेरे नाम को सब भूल गए हो, पर मेरे सेल्स बढ़े और तुम में ही रह गए। तोकितो कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? इसे अभी पता चल रहा है भाई वो तेरे साथ शुरू से ही मजाक कर रहा है। मुइचिरो कंटिन्यू करता है भले मैं तुम्हारा वंशज हूँ पर अबे चूतिया तेरे को सच में लगता है 100 साल बाद भी तेरे ब्लड लाइन वालों के अंदर तेरा ब्लड और सेल्स रहेंगे? बढ़ाया वंशज बता रहा है। लेकिन तभी कोकुशिबो देख लेता है कि तोकितो के चेहरे पर उसका डीमन स्लेयर मार्क अवेकन हो चुका है। तोकितो मिस्ट ब्रीदिंग के 7th फॉर्म हेज से उसके ऊपर हमला करता है। कोकुशिबो उसकी टेक्निक देखकर सोच रहा होता है मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, मिस्ट ब्रीदिंग के यूजर ने कभी इस तरह की टेक्निक का यूज नहीं किया। अबे तुम बुढ़ाओ लोग कहाँ से देख पाओगे, ये सब अभी के जनरेशन का है। लेकिन कोकुशिबो उसके अटैक को फिर से डॉच कर देता है। मुइचिरो को यहाँ से कट लेना चाहिए भाई, मुइचिरो की औकात नहीं है कोकुशिबो से लड़ने की, फालतू का मरने के लिए लड़ रहा है। इधर ये 6 आंख वाला भी सोच रहा होता है अरे भाई मैं झांडू की मूवमेंट नहीं समझ पा रहा हूँ, कहना तो नहीं चाहता पर ये सच में अच्छी है। मेरे परपोते ने अच्छी टेक्निक बनाई है, लगता है मुझे अब अपनी तलवार निकाल लेनी चाहिए वरना उसे लगेगा मैं ज्यादा ही रूड बन रहा हूँ, पर मैं तो अच्छा आदमी। और फिर कोकुशिबो अपनी तलवार निकालकर मून ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म डार्क मून इवनिंग श्राइन से तोकितो का हाथ काट देता है। मुइचिरो सोचता है दादा तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, अरे बेटे अभी देखते जा और क्या क्या करता है। तोकितो सोच रहा होता है मून ब्रीदिंग तो क्या वो डीमन बनने के बाद भी ऐसी टेक्निक का यूज कर सकते हैं, उनकी स्पीड नेक्स्ट लेवल है। पर इस जज्बाती गांड को अभी भी ठंड नहीं है, वो उठने का ट्राई करता है और अपने हाथ में कपड़ा बांध लेता है जिससे खून ना बहे। उसकी हिम्मत देखकर कोकुशिबो सोचता है वंडरफुल, मेरा पोता अपना हाथ खोने के बाद भी लड़ना चाहता है, क्या गजब बात है। तभी मुइचिरो एडवेक्शन स्लैश कर देता है, लेकिन कोकुशिबो उसकी तलवार को अपनी उंगली से ही रोक देता है और फिर उसकी तलवार लेकर उसी को खंभे में गाड़ देता है और पूछता है बेटा ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है। तोकितो कहता है अंधा है क्या भोसड़ी के, ये छह आंख का शोबाजी के लिए रखा है, दिखता नहीं गांड फट गई इधर पूरी की पूरी। कोकुशिबो तोकितो को ऑफर देता है देख बेटे तू डीमन बन जा, फिर मैं और तू मिलकर उस मुजान को टपली मारकर भगा देंगे और फिर राज करेंगे। जस्ट जोक, मेरे वंश से जितने ताकतवर होंगे मैंने इमेजिन नहीं किया था, डरने की कोई बात नहीं, तुम्हारे हाथ डीमन बनने के बाद वापस उग जाएंगे। मेरा मानना है मालिक मुजान भी तुम्हें अपना लेंगे, मुझे खून रोकने दो वरना मर जाओगे। और ये क्या पीछे से गेंदा छिपकर देख रहा होता है, सोच रहा होगा तोकितो की एक फोटो ले लेता हूँ, उसके बनने के बाद दीवार में लगाने के काम आएगा। कोकुशिबो की बात कंटिन्यू करते हैं, अगर तुम बहुत खून बहने की वजह से मारे जाते हो या फिर मालिक मुजान तुम्हें नहीं अपनाते तो मौत ही तुम्हारी किस्मत है। तभी गेन्या कोकुशिबो पर फायर कर देता है, लेकिन कोकुशिबो गेन्या पे पीछे से झांक करता है और उसका भी हाथ काट देता है। गेन्या को पता भी नहीं चलता उसका हाथ कट गया है, ये देखकर मुइचिरो चिल्लाता है गेन्या मेरे परदादा बहुत खतरनाक है, तुम्हारी गांड फाड़ देंगे, भाग जाओ। तोकितो अपने आप को निकालने का ट्राई करता है, इधर गेन्या अपना छोटा खंजर निकाल रहा होता है पर कोकुशिबो उसके दूसरे हाथ को भी काट देता है। यार इसके साथ तो बड़ा गंदा हो गया। कोकुशिबो कहता है ओह अच्छा तो तुम डीमंस को खाते हो, ये कहकर वो उसे बीच से काट देता है। यार कोकुशिबो ने तो गेन्या का कटलेट बना दिया। तोकितो तलवार निकालने का बहुत ट्राई करता है, इस साइड कोकुशिबो गेन्या को बता रहा होता है कि वो अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि 300 साल पहले भी एक स्वॉर्ड्समैन हुआ करता था जो डीमंस को खाता था, जब कोकुशिबो ने उसे बीच से काट दिया था तो वो मर गया था, तो शायद गेन्या को मारने के लिए उसका सर काटना पड़ेगा। कोकुशिबो कहता है मेरे पास कोई कारण नहीं है तुम्हारे जैसे नकली डीमन को जिंदा रखने का। गेन्या गिड़गिड़ा रहा होता है मुझे मेरे हाथ लौटा दो, लेकिन कोकुशिबो उसकी बात को नहीं सुनता और उसके सर को काटने वाला होता है। तभी सानेमी आकर विंड ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म राइजिंग डस्ट स्टॉर्म से कोकुशिबो को गेन्या से दूर कर देता है। कोकुशिबो भी चौंक जाता है। विंड हाशिरा। सानेमी कहता है तुम मुझे हवाई समझो, मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा भोसड़ी के। इधर माहौल थोड़ा गंभीर हो गया है। सानेमी गेन्या को समझाता है कि गेन्या बिल्कुल लापरवाह है, उसे सच में लगता है कि उसके बड़े भाई यानी सानेमी ने बिना वजह के अपनी मॉम को मारा होगा, असल में वो गेन्या की रक्षा कर रहा था। पर ये पागल बुद्धि सानेमी के ना चाहते हुए भी डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन कर लिया और ये भड़वा तांजिरो भी उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बढ़ावा दे दिया कि मुझे नहीं लगता गेन्या तेरा भाई तुझसे गुस्सा होगा, मुझे उससे गुस्सा होने की स्मेल नहीं आती। हाँ जैसे की तो जियान का कुत्ता मोकू है, सुन के ही बता देगा कौन गुस्सा है या नहीं। अबे कभी दिल से गुस्सा होना सुना है कि नहीं बेटे, तेरे को तो बाद में पिलूंगा, अभी वीडियो में कंसंट्रेट करता हूँ। सानेमी गेन्या को कहता है तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए थी, मुझे तो लड़की मिलने से रही, पर तुम तो शादीशुदा जिंदगी जीकर बुढ़े होकर मर सकते थे। मैं कभी अपने मॉम और भाई बहनों के लिए कुछ नहीं कर सका, लेकिन तुम्हें अपना परिवार बनाकर उन्हें इतनी खुशी देनी चाहिए थी कि जितने की वो हकदार हो, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगा। मुझे इसकी बातें सुनकर रोना आ गया भाई। गेन्या सानेमी से माफी मांगता है, लेकिन इस कोकुशिबो को ठंड कहाँ है, वो इन दोनों का मजाक उड़ा देता है, वही घिसे पीटे लोग और उनकी पुरानी बातें। ये सुनकर सानेमी की सटक जाती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की छह गांड वाले कमीने, मैं तुझे मार डालूंगा। अब तो कोकुशिबो गया। सानेमी अपनी ब्लेड को कसकर पकड़ लेता है। कोकुशिबो उस पर मून ब्रीदिंग से अटैक करता है, सानेमी उसके अटैक को डॉज कर देता है। गेन्या कहता है उसके पैरों को नीचे मारो, तभी सानेमी उसके पैरों पर स्लैश कर देता है, लेकिन कोकुशिबो उछलकर बच जाता है, चालाक है साला। पर सानेमी तुरंत फर्स्ट फॉर्म डस्ट वायरल विंड स्लाइड से हमला कर देता है, पर कोकुशिबो अपनी तलवार से उसके हमले को ब्लॉक कर देता है। मुइचिरो की गांड फट जाती है कोकुशिबो के ब्लॉक करने के स्टाइल को देखकर। यहाँ पर सानेमी बिल्कुल पागल हो जाता है कोकुशिबो को मारने के लिए, उससे कहता है तुम्हारी ब्लेड तुम्हारी तरह ही बेकार है, क्यों मैं सही हूँ ना। सानेमी और कोकुशिबो दोनों अपनी तलवार से पावर लगा रहे होते हैं, तभी कोकुशिबो मून ब्रीदिंग फिफ्थ फॉर्म कर्स्ड वॉर्टेक्स ऑफ द घोस्टली मून से सानेमी को दूर फेंक देता है। उसके अटैक से रूम के कई सारे खंबे कट जाते हैं। ये तो रूम को बर्बाद कर रहा है। सानेमी कोकुशिबो पर हंसता है क्योंकि कोकुशिबो अपनी ब्लेड स्विंग कराए बिना भी ये चांद जैसे दिखने वाले स्लैश कर पा रहा होता है। दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं। सानेमी विंड ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म ट्री स्विंग इन द माउंटेन एयर से अटैक करता है, लेकिन कोकुशिबो का नॉर्मल स्लैश भी सानेमी के अटैक से काफी तगड़ा होता है। कोकुशिबो सानेमी को चिढ़ाता है, उतना बुरा नहीं था, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी और टेक्निक्स अपनी पीक पर है। इधर सानेमी की गांड फट गई होती है। कोकुशिबो की स्किल्स देखकर वो सोच में पड़ जाता है कि कोकुशिबो के हर एक स्लैश में चांद जैसे ब्लेड होते हैं जिनकी लंबाई और आकार फिक्स नहीं है। इसके साथ सानेमी मुइचिरो के हारने पर भी सरप्राइज नहीं है, शायद उसे भी लगता है कि एक झांड भर का बच्चा क्या ही कर सकता है। सानेमी शुक्र मना रहा होता है क्योंकि अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता तो कोकुशिबो के अटैक से पक्का मर जाता। इसके साथ कोकुशिबो की स्पीड और उसका ब्रीदिंग स्टाइल यूज करना कोई नॉर्मल हाशिरा इसके सामने घंटा नहीं टिक सकता, 5 सेकंड में मर जाएगा क्योंकि इसकी पावर एंड स्पीड लड़ाई करते करते और तेज हो रही थी। लेकिन सानेमी को इधर मजा आ रहा होता है। वो कहता है ये मजेदार है, ये डीमन मारने के लायक है। भाई कोई लो रैंक डीमन सानेमी का ऐसा वाला चेहरा देख लेना, वो खुद ही कह देगा कि भाई तुम अपने हाथ गंदे मत करो, मैं खुद अपना कला काट लूंगा, तुम तो हमसे ही बड़े वाले राक्षस हो। तभी सानेमी विंड ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म प्यूरिफाइंग विंड क्लॉ से कोकुशिबो पर अटैक कर देता है, लेकिन कोकुशिबो उसके विंड अटैक को अपनी तलवार से काट देता है। सानेमी तुरंत मौके का फायदा उठाकर उसके ऊपर टूट पड़ता है, पर कोकुशिबो उसे ब्लॉक कर लेता है। लेकिन यहाँ सानेमी की चालाकी तो देखो, वो गेन्या की तलवार को अपने पैरों से पकड़ के कोकुशिबो के सर पर हमला करता है। पर भाई मेरे, कोकुशिबो कोई सस्ता डीमन नहीं है। कोकुशिबो उसके हमले से बचकर पलटवार कर देता है जिससे दोनों का हमला डिफ्यूज हो जाता है। सानेमी और कोकुशिबो दोनों एक बार फिर अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं। 1 2 3 और ये शुरू। दोनों अपने अपने ब्रीदिंग स्टाइल से अटैक करते हैं। कोकुशिबो सानेमी की टेक्निक को देखकर सोचता है ये अभी भी मेरी टेक्निक का यूज कर रहा है। और इधर सानेमी की हालत खराब हो गई होती है कोकुशिबो के अटैक का जवाब देकर। उसके नाक से खून निकलने लगता है जिससे देखकर ये दोनों लाचार चिल्लाते हैं भाई देख के। बेचारा सानेमी इधर सोच रहा होता है मैं अपनी पलक तक नहीं झपका सकता, मैं मरने के इतना करीब हूँ कि मैंने अपने शॉट की टिप की स्विंग को खराब किया। कोकुशिबो भी सोच रहा होता है कि जब सेंगोकू गिरा था तब उसने और पहले के विंड हाशिरा ने साथ में अपनी शॉटमैनशिप को इम्प्रूव किया था। तभी कोकुशिबो मून ब्रीदिंग सिक्स्थ फॉर्म सॉलिटरी मून इन द इंटरनल लाइट एवीसी से अटैक करता है। इस अटैक से सानेमी के शरीर में इतने कट्स लगते हैं कि उसका शरीर छल्ली हो जाता है और इस अटैक से रूम के सारे पिलर्स भी कट जाते हैं। ये देखकर गेन्या की गांड फट जाती है। सानेमी पूरा खून खून हो गया होता है। यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे सानेमी के ऊपर किसी ने रूअफ़ज़ा का बॉटल फेंक कर मारा हो। कोकुशिबो कहता है तुम काफी समय तक टिके रहे, लेकिन ज्यादा हिलो मत वरना तुम्हारे ऑर्गन्स बाहर आ जाएंगे। मतलब समझ सकते हो इसने किस लेवल तक कटाई कर दी है। लेकिन तभी अचानक कोकुशिबो की धड़कन बढ़ने लगती है। कोकुशिबो की तो गांड फट जाती है क्या हो रहा है करके, और फिर सानेमी डेविल स्माइल करके बताता है मेरा ब्लड डीमंस के लिए खतरनाक है जबकि कैट्स के लिए सिल्वर लाइन पाउडर की तरह है। सानेमी तुरंत कोकुशिबो पर हमला कर देता है। कोकुशिबो बचने का ट्राई करता है पर लड़खड़ा जाता है। ये देखकर सानेमी चिढ़ाते हुए कहता है क्या प्रॉब्लम है दोस्त, तुम तो लड़खड़ा रहे हो, ऐसा लगता है मेरा परम रक्त अपर मून पर भी काम करता है। डीमंस मेरे खून की स्मेल सुनते ही नशे में आ जाते हैं और ये खून सबसे रेयर है, डीमंस के लिए जहर की तरह। यहीं पर हमें थोड़ा सा बताया जाता है कि सानेमी विंड पिलर कैसे बना था। असल में हुआ कुछ ऐसा था कि सानेमी ने जब अपनी डीमन मॉम से बचपन में लड़ाई की थी तो उसकी डीमन मॉम सानेमी के ब्लड की स्मेल से कमजोर हो गई थी, इसलिए सानेमी उन्हें मार पाया था। और यही बात सानेमी को उस समय रियलाइज हुई थी कि डीमंस उसके ब्लड से कमजोर हो जाते हैं। पर इस घटना से सानेमी के मन में बस डीमंस को मारने का खुन्नस जाग गया था, इसलिए वो डीमंस को पकड़कर उन्हें धूप में जला देता था क्योंकि उस समय सानेमी को निचरिन ब्लेड और डीमन स्लेयर्स के बारे में कुछ पता नहीं था। पर अपना लौंडा हथियार चलाने में माहिर था इसलिए डीमन उसे नहीं मार पाते थे। एक दिन सानेमी की मुलाकात कुमेनो मासाचीके से होती है जो कि एक डीमन स्लेयर था। कुमेनो ने सानेमी की स्किल्स देखकर उसे एक कल्टीवेटर से इंट्रोड्यूस कराया था, लेकिन हमें पता है इस श्रापित दुनिया में अच्छे लोग ज्यादा समय तक नहीं टिक पाते। कुमेनो की मौत हो जाती है एक लोअर मून डीमन से लड़ते समय, पर आखिर में अपना सानेमी उस डीमन को मार देता है और उसका प्रमोशन हो जाता है हाशिरा लेवल पे। अब कहानी बहुत हुई, चलो वापस फाइट की ओर चलते हैं। सानेमी कोकुशिबो के ऊपर विंड ब्रीदिंग सिक्स्थ फॉर्म ब्लैक स्मोक स्टॉर्म से अटैक कर देता है। इधर कोकुशिबो आश्चर्य में पड़ जाता है क्योंकि सानेमी इतने कट्स लगने के बाद भी हिल पा रहा था। ये सोचकर कोकुशिबो का दिमाग भंड हो जाता है क्योंकि अगर सानेमी मुइचिरो की तरह होता तो ये लड़ाई कब की खत्म हो चुकी होती। पर असल में यहाँ ये हो रहा होता है कि सानेमी खुद से ही अपने खून को बहने से रोक रहा था। इसके लिए उसने अपने ब्रीदिंग स्टाइल से अपने ब्लड को सॉलिड कर दिया और अपनी मसल को स्क्वीज करके अपने ऑर्गन्स को बाहर आने से रोक दिया। इस बात के लिए सैल्यूट करता हूँ मैं इस लौंडे को। और यही सब देखकर कोकुशिबो भी चौंक गया होता है क्योंकि किसी आम इंसान के लिए ये करना इम्पॉसिबल है। दोनों फिर एक दूसरे पर एक साथ अटैक कर देते हैं, लेकिन इस बार कोकुशिबो को थोड़ा नशा नशा लग रहा होता है सानेमी के ब्लड के कारण। इसी बात का फायदा उठाकर सानेमी कोकुशिबो पर एक सीधा स्लैश कर देता है। पर कोकुशिबो उसके स्लैश से बचकर उसकी शॉट को अपने पैर से ही जकड़ लेता है और अपनी तलवार से सानेमी का सर काटने वाला होता है कि एक कागाया भोसड़ी की यादें बीच में आ जाती है, जहाँ सानेमी कागाया को चिल्ला रहा होता है कि लोग वहाँ दर्द सह रहे हो और तुम यहाँ स्टेज के ऊपर बैठकर बस मुस्कुराते रहते हो। तुम उन लोगों में से हो जो अपने हाथ गंदे नहीं करते दूसरों को बचाने के लिए। तुम भले ही ताकतवर होगे पर तुम्हारे पास जज्बात नहीं है, क्यों है ना कमीने। तभी ग्योमे सानेमी को ये सब कहने से रोकता है लेकिन कागाया उसे बोलने दो बोलता है। कनाए की भी थोड़ी जल जाती है तो वो भी कह देती है पर मास्टर, लेकिन कागाया उसे भी कह देता है कोई बात नहीं। इस साइड सानेमी कागाया को कई खरी खोटी सुना रहा होता है। तुम अपने फाइटर्स को सिर्फ डिस्पोजेबल प्यादे के रूप में देखते हो। मैं एक नजर में बता सकता हूँ कि तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप की जरा भी समझ नहीं है और ये आदमी डीमन स्लेयर्स का लीडर है, पूरी तरह घिनौना। तभी कागाया कहता है मुझे माफ कर दो, ऐसा नहीं है कि मैंने तलवार चलाने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब भी मैं तलवार चलाने की कोशिश करता मेरे पल्स कंट्रोल से बाहर चले जाते और मैं इसे 10 बार भी नहीं घुमा पाता। अगर ये पॉसिबल होता तो मैं भी तुम्हारी तरह एक शॉर्ट्समैन बनना चाहता जो दूसरों की जान बचाता हो, पर ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, इसलिए मुझे तुम्हें इस दर्द से गुजारने के लिए माफ कर दो। ये सब सुनकर सानेमी को अपने मॉम की याद आ जाती है। इधर कागाया उसे कह रहा होता है कि अगर वो सब डिस्पोजेबल प्यादे हैं तो वो भी एक मोहरे से कम नहीं है जो डीमन हंटर को चलाता है। वो मर भी जाए तो भी इससे कुछ नहीं बदलेगा क्योंकि उसके पास पहले से ही एक सक्सेसर है। वो सानेमी से कहता है कि उसकी एकमात्र इच्छा है कि हाशिरा होने के नाते सानेमी लोगों की रक्षा करे और सॉरी इसलिए क्योंकि मासाचिका की डेथ के तुरंत बाद तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए। तभी कनाए बताते हैं कि जब से कागाया ने डीमन स्लेयर कॉर्प्स को संभाला है उसे हर एक डीमन स्लेयर्स के नाम याद है जो मर चुके हैं। सानेमी हैरान हो जाता है, जो मर चुके हैं उनके भी। कागाया बताता है कि डीमन स्लेयर ऑर्गेनाइजेशन के सभी बच्चे अपने विल्स खुद लिखते हैं। वो उसे मासाचिका का विल देकर कहता है कि मासाचिका का एक मृत भाई था और उसने अपने भाई की छवि तुम में देखी थी सानेमी। सानेमी उसके विल को पढ़ता है जिसमें लिखा था कि वो अपने भाई को ना बचा सकने के लिए शर्मिंदा है, वो बस उसे जीवित रखना चाहता था। ये पढ़कर सानेमी के आंसू निकल जाते हैं। सानेमी अपने यादों से बाहर आता है और गेन्या की गन से कोकुशिबो के अटैक को ब्लॉक कर देता है। कोकुशिबो भी थोड़ा हैरान हो जाता है कि तभी सानेमी उस गन से कोकुशिबो के ऊपर फायर कर देता है, लेकिन ये चालाक लोमड़ी अपनी तलवार से उन गोलियों को रोक देता है। सानेमी सोचता है फक इट, इससे कुछ नहीं हुआ। तभी कोकुशिबो मून ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म डेथ मून ऑफ द अबैंडमेंट चेन से सानेमी के ऊपर हमला कर देता है। उसी समय धुएं के पीछे से ग्योमे की एंट्री होती है। उसे देखकर कोकुशिबो कहता है तुम कीड़े बस आते रहते हो, जिसके जवाब में ग्योमे कहता है हम डीमन हंटर्स इंटरनल परमानेंस रखते हैं, हर उस आखिरी डीमन के लिए जो इस दुनिया से गायब हो गया है। तो ये वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ क्योंकि एडिटिंग कर करके मेरे पार्टनर का दिमाग भंड हो गया है। अगर तुम्हें आगे देखना है कि ग्योमे में क्या धूम मचाता है तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।